हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली, साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ। एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है और बच्चे जी जान से अच्छा रिजल्ट आने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ठंड के इस मौसम में बच्चों के साथ एक समस्या आती है सुबह जल्दी उठने में। वो जल्दी उठ तो जाते हैं लेकिन एक आलस महसूस करते हैं, नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं। इस सब में बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप ठंड के मौसम में सुबह सुबह रजाई से बाहर निकलें और पढ़ाई करें, लेकिन ठंड बार बार आएगा, एग्ज़ाम बार बार नहीं आएंगे। समय आपकी लाइफ का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है जिसे आप सो कर नहीं बिता सकते। ऐसे में बच्चे क्या करें कि वो फ्रेश हों और सुबह उठ करके पढ़ाई कर सके, क्योंकि सुबह की पढ़ाई ज़्यादा कारगर होती है बनिस्बत रात के। मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बताना चाहती हूँ। अक्सर बच्चे करते क्या हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो वो अपने बिस्तर पर ही पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें आलस घेरने लगता है और उन्हें नींद आने लगती है। मैं आपको ये नहीं कहने वाली कि आप टेबल कुर्सी पर पढ़ें, आप अपनी रजाई में घुसकर भी पढ़ाई का मजा ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जब आप उठते हैं तो एक बार अपना चेहरा धो लें। चेहरा धोने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा पानी लें और बस चेहरे पर लगा लें और हो गया। चेहरा धोने के लिए अगर गर्म पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ जो भी आपके पास नॉर्मल पानी है उसे अपने चेहरे पर लगभग 5 से 6 बार मारें। जितनी बार आप अपने चेहरे पर पानी मारेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। आपको यकीन न हो तो आप एक बार अभी करके देख लें, आप जितना फ्रेश अभी हैं उससे कई गुना ज़्यादा फ्रेश महसूस करने लगेंगे। ये मेरा सेल्फ टेस्टेड तरीका रहा है नींद भगाने का, खुद को रिफ्रेश करने का। इसके बाद आपको आलस नहीं लगेगी और उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएं। आप महसूस करेंगे कि आपको नींद नहीं आ रही है और आप ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रहे हैं, और जब भी आधे एक घंटे के बाद आपको आलस महसूस होने लगे आप फिर से यही काम करें। लेकिन होता क्या है कि बच्चे एक बार तो कर लेते हैं लेकिन दूसरी बार सोचते हैं कि चलो इतना तो पढ़ लिया, फिर से सो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि आज का आपका सोना कल आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है, इसलिए कुछ दिनों के लिए अपनी नींद से समझौता करें और समय पर उठकर ढंग से पढ़ाई करें। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि हो सके तो एक गिलास गर्म पानी पी लें। गर्म पानी भी आपके दिमाग को तरोताज़ा करता है और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई की क्वालिटी को भी बेहतर बना सकते हैं। मैं समय समय पर स्टूडेंट्स के लिए नए टिप्स लेकर आती रहूँगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।